दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टाटा एस और गाड़ियों के बारे में रोचक वीडियो लाता रहूंगा। राम राम दोस्तों, मैं धनान सिंह फिर से आज मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टाटा एस गाड़ी के डीजल फिल्टर कैसे चेंज होते हैं और कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है, 10-11 का पाना चाहिए होता है और इसके टॉप पे 11 का एक नट लगा हुआ होता है, जो ये फिल्टर बॉडी है, फिल्टर बॉडी के ऊपर की तरफ। तो इसको पहले खोल लेते हैं अपन। ये इस प्रकार से इसको ऐसे पकड़ के रखना है कि एकदम जो नीचे गिरेगा तो क्या डीजल बिखर जाएगा, मुंह पे सब जगह लग जाएगा। ये है गाड़ी के अंदर डीजल फिल्टर चेंज करने का तरीका, नीचे लेट के इसको ऐसे नीचे निकाल लेना है और उसके बाद में, यार ये तो तगड़ा फिट हो रहा है, जो इसमें रिंगे हैं ऊपर नीचे जो रिंग लगी हुई है उसको हटा देना है। ये अपन ने रिंग हटा ली, कोई भी पेचकस या कुछ भी निकली चीज से। और जो ये गिलासी देख रहे हो आप, इसमें से रिंग हटानी है, साइड में फेंक देनी है और इसको अंदर से, बाहर से चाहे नहीं साफ हो लेकिन अंदर से इसमें बिल्कुल भी मिट्टी विट्टी कुछ नहीं रहनी चाहिए। ये देखो आप, अंदर से एकदम क्लीन हो गया है। इसको साइड में रखते हैं, दूसरी गिलासी को साफ कर लेते हैं। टाटा एस गाड़ी का जो डीजल फिल्टर है वो लगभग 10,000 या 10,000 से पहले चेंज कर देना चाहिए, और बाकी तो सब कंपनियों के अलग अलग टेक्निक आती है, कोई हर कंपनी में अलग अलग किलोमीटर पे चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली 10,000 रुपये चेंज कर देना चाहिए। ये देखो ये क्लीन हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, जो अपने पास नए फिल्टर हैं उनकी या ऊपर और गिलासी के अंदर रिंग आराम से अच्छे से बैठानी है। वैसे तो क्या है, मैं आमतौर पे टाटा के ही फिल्टर डालता हूँ, लेकिन ये गाड़ी वाले भाई साहब ने प्योरेटर का लिया है, क्योंकि वो टाटा है, इसका अभी टाटा का मिला नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले जो रिंग है उसकी पन्नी को फाड़ लेना है, उसके बाद में जो इसमें बड़ी रिंग आती है वो लगती है यहाँ ऊपर की तरफ, ऊपर आराम से एक इसको बैठाने की जगह आती है, खांचा बना हुआ उसमें बैठा दो, और ये रिंग को, ये बांकी टेढ़ी हो रही हो तो इसको अच्छे से सही सेट कर लें। उसके बाद में इसमें भी एक किनार बनी हुई होती है, उस किनार के अंदर इसको आराम से बैठा दो। ये रहे ऊंची नीची, अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए। आप फिल्टर रखो तो ये जो फिल्टर की किनार है उस किनार के ऊपर ही आनी चाहिए। ये अपना फिल्टर है, इसको जैसे रखेंगे तो ये दबके और बिल्कुल इसकी किनार के नीचे ही रहेगी। तो इसको ऐसे पकड़ के रखना है और यहाँ फटेगी तो आपकी गाड़ी जो डीजल का एयर है वो कभी नहीं निकलेगा। ये सेट कर लिया, फिर इसको ऐसे आराम से यहाँ दबाना है, दबा के रखे और वापस इसको कस देना है ऊपर से। ये इसको अच्छे से खींच दिया, उसके बाद में फिर दूसरा फिल्टर डालना है। ये जो पैकिंग है, इस पैकिंग को खोला अपन ने, कुछ इस प्रकार से निकलता है इसके अंदर। ये फिल्टर को साइड में रखा, फिर जो रिंग की थी लिए उसको निकाल लिया बाहर, और ये बड़ी वाली ऊपर। अगर आपको बड़ी छोटी में फर्क नहीं पता हो तो लगा के भी देख सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और एक रिंग और इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर, जो ये सबसे छोटी रिंग आती है ये वाली, ये जो ये ऊपर का बोल्ट है इसके अंदर डलती है।
तो ये भी अपन चेंज कर देते हैं, ये इस हिसाब से इसमें डाला। वही सीन, इसको भी इसमें बैठा दो आराम से। इन टूटियों को आप अंदर बाहर कहीं भी रख सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ रखना चाहिए, वो कोई इशू नहीं करता। इसको वापस कस दो, और जो फिर ये इस साइड से तो डीजल टंकी में से आ रहा है और दूसरी तरफ इस साइड से जा रहा है पंप के अंदर, तो जहाँ पंप में जा रहा है वहाँ एक 19 नंबर के बोल्ट में एक छोटा बोल्ट हो रहा था 8 नंबर का, उसको हल्का यूज करके फिर पंप मारोगे तो उस बोल्ट में से डीजल अच्छी तरह से आने लग जाएगा, बिल्कुल पिचकारी मारने लग जाएगा। तब उस बोल्ट को वापस कस के, और ये पंप है हेड प्राइमर, इसको कस देना है वापस। ये कस दिया है इसको, ऐसे ज़्यादा भी नहीं, आराम से, मतलब नॉर्मली इस आप का ही कसना है। उसके बाद में मैंने बताया जैसे यहाँ से इसको लूज किया, यहाँ एक आगे नट आता है, ये लूज कर लिया, ये हेड प्राइमर है, इसकी ये चूड़ियाँ ऐसे खुलती है, और फिर इसको दबाते रहो। यहाँ एक हाथ भी लगा ले कि मुंह पे नहीं है डीजल, तो इसमें कुछ ही देर में ये जैसे ही डीजल पूरे भर जाएंगे उसके बाद में ये यहाँ से अच्छी तरह से पिचकारी मारने लग जाएगा। तो फिर इस बोल्ट को वापस कस के और फिर इसको बंद कर दो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।